सर, आपने पिछले 2 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आंदोलन किया था, तो अभी आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए 11 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात प्रधानमंत्री जी ने मानी? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनसंख्या नीति क्या हो इसकी घोषणा करें, इसकी मांग के लिए मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हिंदुस्तान में पत्थरों के लिए भी नीति है, उसके नीचे के कोयले के लिए नीति है, उसके नीचे के पेट्रोल के लिए भी नीति है, यहाँ तक कि जो सूखी मिट्टी है उसके लिए भी नीति है, पशु पक्षियों के लिए नीति है, तो मनुष्य के लिए क्यों नीति नहीं है? वो नीतियाँ हैं क्योंकि आज 150 करोड़ की आबादी इस देश पर ये ह्यूमन रिसोर्स होने के बजाय इसकी लाइवलिटी बन चुकी है। इसलिए मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री जी को आह्वान करता हूँ कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर वो संसद में इसको लेकर घोषणा करें। और इस वीडियो से मैं अपील करता हूँ सर, मेरा अगला सवाल है 4 बजे 11 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुँचे और इस आंदोलन को समर्थन करें। सर, मेरा सवाल है कि आज बेरोजगारी का कारण क्या आप जनसंख्या को, बढ़ती जनसंख्या को मानते हैं? इस देश में अगर संख्या कम होती तो बेरोजगारी की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये तो स्वाभाविक है। बेरोजगारी ने आप इस देश की किसी भी समस्या का नाम लीजिए उसका सीधा संबंध जनसंख्या पे आता ही आता है। आप ट्रैफिक भी लीजिए, आप हवा की ट्रैफिक लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध हो, पर्यावरण का लीजिए, सबका संबंध जनसंख्या से आता है।